दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मंगलवार यानी आज 9 जुलाई को इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा किया। बता दें कि इस मामले में एक महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दिल्ली में 3 महीने पहले अप्रैल में बच्चों के खरीद बिक्री करने वाले एक गैंग को पकड़ा गया था। बता दें कि जिस पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने 5 अप्रैल को दिल्ली और हरियाणा में 7 जगहों पर रेड की थी। इस दौरान दिल्ली के केशवपुरम स्थित एक घर से 3 नवजात को बरामद किया गया था। इनमें 2 लड़के थे। वहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट पर DCP क्राइम ब्रांच अमित गोयल ने बताया कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 बांग्लादेश के नागरिक हैं, एक डॉक्टर और उसके 2 अस्पताल स्टाफ को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 बांग्लादेशी नेशनल हैं और एक उनका ट्रांसलेटर जो इंडियन था, और एक डॉक्टर और उसके 2 हॉस्पिटल स्टाफ। तो कुल 7 गिरफ्तार हुए हैं। सेम ही डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट करती थी, अलग नहीं है, एक ही डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट करती थी। अभी तक कुछ नहीं है जी, अभी इसमें जाँच चल रही है, उसके बाद देखा जाएगा। वो सारे एंगल पर तफ्तीश होगी, जो भी उसमें जिसकी भी अगर मिली भगत निकलेगी उनपे लीगल कार्रवाई की जाएगी। वो बांग्लादेशी होते थे दोनों ही, पेशेंट भी और डोनर भी, तो वो यही जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं इन्हीं का काम था उनको ढूंढना और यहाँ पे लाना, यहाँ पे रुकवाना और फिर उनका ट्रांसप्लांट कराना, उनके जो कागजात वगैरह बनाने हैं उनको एज रिलेटिव्स दिखाना कि जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक्ट की, वो सारे वो नकली कागजात भी वही बनाते हैं।